हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जी के ट्रिक में। दोस्तों, हमने जो 5000 प्रश्नों की सामान्य विज्ञान की सीरीज शुरू की है, आज हम उसका पार्ट नंबर 24 आपके सामने लेकर आए हैं। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो दोस्तों हम डिस्क्रिप्शन में आप इसकी जनरल साइंस की प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, आप वहां पर जाकर हमारे पुराने पार्ट को भी देख सकते हैं। दोस्तों, हम हर पार्ट में 50 क्वेश्चन रखते हैं जो कि आपकी आगामी पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो ये दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। 1151 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किस विटामिन की हीनता से शाम को और रात्रि में मंद दृष्टि हो जाती है? तो दोस्तों, विटामिन ए की कमी से शाम के टाइम मंद दृष्टि हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 1152 है दोस्तों, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों, विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग का नाम है स्कर्वी रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1153, ऑप्टिकल तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ऑप्टिकल तंतु कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1154, कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह है? तो दोस्तों, इस चारकोल का नाम है एनिमन चारकोल। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1155, दूध को दही में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है? तो दोस्तों, दूध को दही में परिवर्तित करने वाला एंजाइम रेनिन है। क्वेश्चन नंबर 1156 है दोस्तों, बादल का हवा में तैरने का कारण क्या है? तो दोस्तों, वायु की श्यानता या विस्कोसिटी के कारण, अपने कम घनत्व के कारण बादल हवा में तैरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1157, टीबिया नामक हड्डी किस अंग में पाई जाती है? तो दोस्तों, टीबिया टांग में पाई जाने वाली हड्डी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1158 है दोस्तों, किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश पोलैंड के नाम पर रखा गया है? तो दोस्तों, यह है पोलोनियम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1159, हरे टमाटर पकने पर लाल किस कारण से हो जाते हैं? तो दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट नामक मंडक में परिवर्तित हो जाता है, तो इसके कारण हरे टमाटर पकने पर लाल हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1160, एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो एसिटिल सैलिसिलिक एसिड एस्पिरिन का रासायनिक नाम है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1161, कोणीय त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? तो रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर कोणीय त्वरण का एसआई मात्रक है, और दोस्तों यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1162, ब्लू विट्रोल के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों, कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रोल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1163, इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जानवरों के व्यवहार का अध्ययन उनके सामान्य वातावरण से संबंधित इथोलॉजी विज्ञान को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1164 ले लेते हैं, वयस्क मनुष्य में हृदय चक्र का समय कितना होता है? तो दोस्तों, यह होता है 0.8 सेकंड। ठीक है दोस्तों, एक गति एक दिल को धड़कने में 0.8 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों, 1165, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो कॉर्नबर्ग ने डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 1166 है दोस्तों, किसकी स्मृति में 28 फरवरी प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो रमन प्रभाव की खोज की स्मृति में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रट लीजिए दोस्तों इसको। क्वेश्चन नंबर 1167 ले लेंगे दोस्तों, साइनोकोवालमिन क्या है? तो विटामिन बी12 को साइनोकोवालमिन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1168 है दोस्तों, उस एक धातु का नाम बताइए जो प्रकाश को परावर्तित कर सकती है। तो दोस्तों, हीरा है जो प्रकाश को परावर्तित कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 1169 है दोस्तों, गामा किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो इस पर किसी प्रकार का आवेश नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 1170 है दोस्तों, एक हार्ट बीट में अनुमानतः कितना समय लगता है? तो दोस्तों, अभी हमने ऊपर भी यही क्वेश्चन देखा था, तो यह होता है 0.8 सेकंड का। ठीक है दोस्तों, 1171 का क्वेश्चन है दोस्तों, रक्त कोष में रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? तो सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट के साथ रक्त कोष में रक्त मिलाकर रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1172 है दोस्तों, अम्लीय मृदा यानी कि एसिड सॉइल को सुधारने के लिए प्रयोग में क्या लाया जाता है? तो दोस्तों, इसको सुधारने के लिए प्रयोग में लाने वाला चीज है चूना। क्वेश्चन नंबर 1173 ले लेंगे दोस्तों, कोलेजन किसका मुख्य घटक है? तो स्किन का मुख्य घटक है कोलेजन। क्वेश्चन नंबर 1174 है दोस्तों, विज्ञान की शाखा
एग्रोस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों एग्रोस्ट्रोलॉजी में घास का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1175 ले लेते हैं दोस्तों। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? डब्ल्यू जोहानसन ने जीन शब्द का प्रतिपादन किया था। इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1176 है दोस्तों। जब दो कण टक्कर के पश्चात एक दूसरे से चिपक जाते हैं तो टक्कर कहलाती है। तो दोस्तों यह कहलाती है पूर्णता अप्रत्यास्थ, यानी कि परफेक्टली इन इलास्टिक। तो दोस्तों यहां पर हम जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं दोस्तों सारे पेपर में पूछे गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप यह सब स्टडी जी के ट्रिक में देख रहे हैं दोस्तों। आप अगर वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1177। मनुष्य में दाद रोग के रोग कारक कवक का नाम क्या है? तो दोस्तों यह है माइक्रोस्पोरम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों 1178। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी में किसकी कमी से? एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा के चलें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1179। किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम तत्व की खोज की थी? तो दोस्तों पियरे क्यूरी एवं मैडम क्यूरी ने पोलोनियम तत्व की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1180। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 1181 है दोस्तों। ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है? तो ए तथा ओ ग्रुप का रक्त ग्रुप ए वाले व्यक्ति को दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 1182। लवणीय मृदा में विनयशील सोडियम की प्रतिशत मात्रा होती है? तो 15% से कम यह होती है। क्वेश्चन नंबर 1183 है दोस्तों। ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? तो दोस्तों हाइड्रोजन का वो समस्थानिक है ट्राइटियम, तो इसका एक और समस्थानिक है ड्यूटीरियम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों 1184। गाड़ी के सुव्यवस्थित एवं सुचारू रूप से चलने के लिए गैसोलीन में एंटीनॉक के रूप में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो दोस्तों इस पदार्थ का नाम है टेट्राथाइल शीशा या टेट्राथाइल लेड। 1185 क्वेश्चन नंबर है दोस्तों। अंतर्वर्तिनशीयन पद्धति में आदर्श एलईआर यानी कि लेड इक्विवेलेंट रेशियो या अंतरराष्ट्रीय एलईआर मान होना चाहिए ताकि वह पद्धति लाभप्रद हो? तो दोस्तों यह 1.4 अथवा इससे अधिक एलईआर मान। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1186 है दोस्तों। अम्ल वर्षा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो दोस्तों यह होता है NO2 यानी कि नाइट्राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1187। भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? तो दोस्तों भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का उपग्रह है INSAT-2A। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पेपर में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1188। सामयिक परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? तो यह बल के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 1189। ताजा मूत्र यानी कि फ्रेश यूरिन में कोई गंध नहीं होती जबकि कुछ समय बाद इसमें तीव्र दुर्गंध हो जाती है। कारण है बैक्टीरिया द्वारा यूरिया का अमोनिया में परिवर्तन करना। ठीक है दोस्तों, बैक्टीरिया द्वारा यूरिया का अमोनिया में परिवर्तन के कारण इसमें तीव्र गंध आती है। क्वेश्चन नंबर 1190 है दोस्तों। टिटनेस रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों टिटनेस रोग से तंत्रिका तंत्र तथा मांसपेशियां प्रभावित होती है। क्वेश्चन नंबर 1191 है दोस्तों। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो एंटोनी वॉन लुएवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 1192 है दोस्तों। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग होता है? तो जीवाश्मों की आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1193 ले लेते हैं दोस्तों। कंप्यूटर की अशुद्धि को क्या कहते हैं? दोस्तों कंप्यूटर की जो अशुद्धि होती है उसका नाम होता है बग। तो दोस्तों यह कंप्यूटर से रिलेटिव क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 1194। पेलाग्रा रोग किसकी कमी से होता है? तो नियासिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 1195। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन पर 1.6×10⁻¹⁹ कूलम आवेश होता है। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह बहुत बार पूछा भी जाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1196 ले लेते हैं। आयोडीन टिंचर क्या है? आयोडीन का एल्कोहली विलयन आयोडीन टिंचर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 1197। एलपीजी में मुख्यतः क्या होता है? तो दोस्तों एलपीजी में मीथेन, प्रोपेन तथा ब्यूटेन होता है। क्वेश्चन नंबर 1198। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था और इसके कारण दोस्तों अल्फ्रेड नोबल को नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है दोस्तों, इसके नाम से ही नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई है। क्वेश्चन नंबर 1199 है दोस्तों। बैक्टीरिया फेज क्या है? तो बैक्टीरिया का परजीवी वायरस बैक्टीरिया फेज कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 1200 और इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। कॉपर सल्फेट को किस अन्य नाम से आमतौर पर जाना जाता है? तो
तो दोस्तों कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रोल के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में भी हमने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। आगे की वीडियो के लिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलें, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आप यहां तक देखने के लिए आपको थैंक्स फॉर वॉचिंग।